नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। आप कंचन के साथ देख रहे हैं पानीपत दनादन। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों की। पानीपत यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानीपत के लघु सचिवालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के आगे अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर अपने विरोध का प्रदर्शन किया। जिला यूथ कांग्रेस के प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखना यह साबित करता है कि सरकार का दखल जुडिशरी में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है, सरकार न्यायिक व्यवस्था में दखल दे रही है, तभी सीनियर जजों को अपनी बात मीडिया में रखनी पड़ रही है। भारत के इतिहास में लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो ये काला दिन है। वैसे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चार जस्टिसों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कहना पड़ रहा है कि हम पर दबाव है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो मेन बेंच है वो बिठाई जाए, पता किया जाए कि क्या दबाव थे जिनके कारण इन चार जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आज तक इतिहास में भारत की ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो इसमें जस्टिस लोया जी की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उन जस्टिस ने उन पे सरकार पे इस चीज़ का भी आरोप लगाया है और चीफ जस्टिस पे भी कि एक केस जो है एक स्पेशल जज के पास ही भेजे जा रहे हैं, ना कि जो सीनियर है वहाँ पे सीनियर बेंच है और जो रोस्टर में उनके पास भेज कर। और जो जस्टिस लोया हैं वो सिराजुद्दीन इनकाउंटर केस में वो जज थे और उसी केस में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मेन अभियुक्त थे। तो उनकी हत्या किन परिस्थितियों में हुई, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डली हुई थी, जिस पीआईएल को सीनियर जजों के पास भेजने के बजाय एक जो नव नियुक्त जूनियर जज है उसके पास भेजा गया। तो इसमें कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है कि इस चीज़ में अवश्य ही कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। हर एक चीज़ पे, सीबीआई पे, चुनाव आयोग पे, इन पे तो सरकार हमेशा दबाव बना के रखती थी और अब इससे दिखता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पानीपत के आरएपीजी कॉलेज में आज लोहड़ी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कॉलेज के सभी छात्र और छात्राएं ढोलक की थाप पर जमकर नाचे। प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने महाविद्यालय के सभी स्टाफ सदस्यों व विद्यार्थियों को लोहड़ी व मकर संक्रांति की बधाई दी। लोहड़ी के पावन पर्व के मौके पर महाविद्यालय के भारतेंदु मंच पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाविद्यालय की छात्राओं ने लोहड़ी गीत पर शानदार समूह नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया और उनकी प्रस्तुति इतनी लाजवाब थी कि पूरा महाविद्यालय प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। Yeah, we do, yeah.
प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि त्योहार समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। तीज त्योहारों के मनाने से देश में सद्भावपूर्ण माहौल बनता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। उन्होंने युवाओं को कहा कि वे राष्ट्र को आगे ले जाने में अपना योगदान दें और निरंतर कड़ी मेहनत करते हुए जीवन में सफलता हासिल करें। सभी को आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से हमारे पावन पर्व लोहड़ी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं कॉलेज प्रांगण के अंदर महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी बहुत जोश के साथ यह लोहड़ी मना रहे हैं। हमारा मत बनता है कि अपने त्योहारों में बच्चों को ऐसे मौके दें ताकि मिल करके इस प्रकार के सेलिब्रेशन हों। बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। हमारा भारत जो देश है वो इसी प्रकार से पर्व मनाते रहे, नए जोश और नए ऊर्जा के साथ बच्चे काम करें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वार्ड नंबर 7 रामलीला ग्राउंड डावर कॉलोनी में 13 से 21 तारीख तक भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 22 तारीख को भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। जन सेवा समिति की तरफ से डावर कॉलोनी में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज कॉलोनी में कलश यात्रा निकाली गई। महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर कथा स्थल तक पहुंची। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। कलश यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व पार्षद राम कुमार सैनी रहे। वार्ड नंबर 7 रामलीला ग्राउंड टावर कॉलोनी के अंदर सब वार्डवासी जन सेवा समिति की तरफ से ये श्री भागवत कथा का आयोजन हुआ है। 13 से लेके 21 तक भागवत कथा होगी। इसका टाइम है 2 से 5 बजे तक का। 22 को भंडारा होगा और ये इस वार्ड की सुख शांति के लिए ये का आयोजन किया जा रहा है। मेयर सुरेश वर्मा ने अपने वार्ड के राकेश कॉलोनी में बनी 20 लाख की गली का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पानी की समस्या रहती है, जल्द ही यहाँ पर ट्यूबवेल लगा दिया जाएगा। मेयर सुरेश वर्मा ने कहा कि वो शिलान्यास करने में नहीं बल्कि उद्घाटन करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले ऐसे नेता हैं जो गलियां नालियां या सड़कें बनने के बाद उद्घाटन करते हैं। बाकी नेता निर्माण कार्य बनने से पहले शिलान्यास कर जाते हैं, चाहे वहाँ निर्माण हो या न हो उसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। मेयर ने करीब 20 लाख से बनी गलियों के उद्घाटन के बाद कॉलोनी वासियों को भरोसा दिलाया कि उनकी पानी और लाइट की समस्या भी जल्द दूर होगी। ये गली का उद्घाटन करें, आज ये गली बनकर तैयार हो चुकी है। मेरा एक उसूल और है, मैं गली बनने के बाद काम होने के बाद जब उद्घाटन करता हूँ, मैं पहले उद्घाटन नहीं करता, मैं काम पूरा होने के बाद जब जनता कहते हैं हमारा काम पूरा हो गया जब जाता हूँ उस काम से। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को लोहड़ी व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।